Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी. आप देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना बेकरी स्टाइल, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है. इसमें ना तो मैंने मैदा का यूज़ किया है, ना ही गेहूँ का आटा यूज़ किया है. बेकिंग सोडा भी मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है. कोई भी क्रीम यूज़ नहीं की है, चॉकलेट यूज़ नहीं की है, चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं किया है. मतलब बिल्कुल ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं जो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. और आप ये देखिए कि कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बना है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बेकरी स्टाइल, एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और चॉकलेट केक. तो है ना कमाल का. वीडियो को लाइक तो स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको इसे लाइक करना ही पड़ेगा, आपको बहुत पसंद आएगा. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये सोच अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और भी इनोवेटिव रेसिपीज देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. चॉकलेट केक आज हम बनाएंगे मिक्सिंग जार में. तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, जो सूजी हम इडली बनाने में यूज़ करते हैं वही वाली सूजी है. 1 कप सूजी लीजिए, उसके साथ आधा कप चीनी लेनी है और इसको करना है आपको मिक्सर ग्राइंड, यानी कि पाउडर फॉर्म में आपको इसे ले आना है कुछ इस तरह से. यहाँ पर आप देखिए कि एकदम पाउडर फॉर्म में आ गई है, जैसे कि मैदा या आटा होता है बिल्कुल वैसे ही बन गया है. अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी आधा कप दही, दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा ना हो. 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो. उसी के साथ आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पर लेना है. और चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हम यूज़ करेंगे कोकोआ पाउडर, तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कोकोआ पाउडर. 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, क्लिप डिलीट हो गई है, लेकिन आप लोग ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज सूजी का टेस्ट आएगा. तो फ्लेवर अच्छा लाने के लिए वेनिला एसेंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर आप देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाता है. कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, उस मेजरमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही आएगी. यहाँ पर आप देखिए कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है. एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको इसे 30 मिनट्स का रेस्ट देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है. तो ढककर रख दीजिए. 30 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी. तो 30 मिनट के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैटर है वो थोड़ा थोड़ा सा फूल गया है. अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है. और 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड किया है, ताकि बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाए. इन सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए. जैसे ही आप बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे, तो ये बैटर और भी ज़्यादा फ्लफी और लाइट हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने के बाद ये फूल जाता है. इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है. अब मैंने यहाँ पर ली है 1 केक टिन, जिसको मैंने ऑयल की सहायता से ग्रीस कर लिया है. केक टिन को ग्रीस ज़रूर कीजिए, ताकि आपका केक ईजीली डीमोल्ड हो जाए. अब यहाँ पर मैं बैटर को पोर कर रही हूँ. आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी है. आपके केक की भी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए, तभी आपका केक सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बनेगा. बाद में इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिए, ताकि जो भी एयर बबल्स केक के बैटर में हों वो सब कुछ निकल जाएं और केक बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी बने. अब हम चलते हैं इसको पकाने के प्रोसेस पर. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे होममेड ओवन का, क्योंकि ओवन सब किसी के घर पर नहीं होता है. तो मैंने यहाँ पर ली है 1 कढ़ाई, उसमें रखा है 1 स्टैंड, और 5 मिनट तक इसको ढककर मैंने प्री हीट कर लिया था, ताकि ये बर्तन अच्छे से गर्म हो जाए. और जब आप केक टिन इसके अंदर प्लेस करें, तो ये केक के बैटर को अच्छे से फुलाने में मदद करे. तो यहाँ पर होममेड ओवन बनकर बिल्कुल तैयार है. अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर केक टिन को रख देती हूँ, और इसको आपको ढककर कम से कम 30 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकाना है. आपका जो लिड है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले. मींस इसकी हाफ बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अदरवाइज केक
उस लेवल तक नहीं फूलेगा जैसे कि इसको फूलना चाहिए और केक बीच में से बैठ जाता है। तो अक्सर ये शिकायत आती है कि केक हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फूला हुआ नहीं बना है। तो ये मिस्टेक्स अक्सर सभी लोग करते हैं कि जो वो लिड लगा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है और थोड़ी बहुत स्टीम बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से केक परफेक्टली फूलने की बजाय थोड़ा सा दब जाता है। तो ये मिस्टेक आप ना करें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्लेट और कढ़ाई है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी कि स्टीम निकलने के चांसेस हैं। तो मैंने इसके ऊपर प्लेस किया है जो रोटी बेलने वाला चकला होता है, यानी कि कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए ताकि प्लेट और कढ़ाई के बीच में गैप ना रहे और स्टीम इसके अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो, तब आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हम 30 मिनट्स का वेट करते हैं और 30 मिनट्स के बाद हम सबसे पहले इसके ऊपर से चकला हटाएंगे और उसके बाद बहुत ही सावधानी से आप इसकी प्लेट हटाइए। एंड लुक एट दिस, वाओ कितना बढ़िया अच्छे से फूल गया है, ये बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, और ना तो हमने मैदा का यूज़ किया ना ही हमने इसमें चॉकलेट ऐड की है, लेकिन कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट आपका चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर आप इसको चेक कीजिए, एक टूथपिक बिल्कुल मिडिल में इंसर्ट कीजिए, अगर ये क्लीन बाहर आती है तो समझ जाइए आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बना है और अंदर तक पक गया है। लेकिन अगर टूथपिक पर थोड़ा सा भी बैटर लगा हुआ आता है तो आप इसको अगेन 10 मिनट तक लो फ्लेम पर और पका लीजिए और उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। जब 20 मिनट के बाद केक ठंडा हो जाए तब हम इसको करते हैं डीमोल्ड। तो नाइफ की सहायता से चारों साइड से कुछ हल्के हल्के स्क्रैच कर लीजिए और उसके बाद केक टिन को पलटिए और उसको हल्का सा टैप कीजिए। एंड लुक एट दिस, वाओ कितनी बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है ना। तो समझिए कि आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, क्योंकि ये जाली आने का मतलब ही होता है कि केक अच्छे से पका है, सॉफ्ट बना है और स्पॉन्जी बना है। अब हम इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं और हम इसके ऊपर लगाने वाली क्रीम बनाते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और उसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क। ये जो दूध है ये रूम टेम्परेचर पर है, इस स्टेज तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। पहले आप इन सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर मिलाया है तो बहुत जल्दी से थिक होने लग जाता है। अब फ्लेम एकदम लो रखिए, लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। अगर आपको लगता है कि लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप विस्कर का यूज़ कीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से विस्कर की सहायता से इसको चलाते रहिए और देखेंगे आप केवल और केवल 2 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी ये बहुत ही बढ़िया सी चॉकलेट सॉस घर में ही बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी ये चॉकलेट सॉस नहीं बनेगी, अभी तो केवल ये बनी है वाइट सॉस। इसको चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। बस फ्लेम ऑफ कर दीजिए क्योंकि रखने के बाद थोड़ी और थिक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ लेकिन लगातार इसको चला रही हूँ क्योंकि पैन अभी गर्म है। अब इसको चॉकलेट क्रीम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये आपकी चॉकलेट सॉस बनकर हो जाएगी बिल्कुल तैयार, जो था बहुत ही ज़्यादा आसान, इज़न्ट इट? था ना कि आपको चॉकलेट सॉस की भी ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इस तरह से आप ये चॉकलेट सॉस बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आपने इसका लुक तो देखा ही है वीडियो के स्टार्टिंग में कि कितना ऑसम आपका केक बनकर तैयार हुआ था। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो, चॉकलेट सिरप भी ना हो, तो आप इस तरह से चॉकलेट सॉस बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया चॉकलेट केक घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बस आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब चॉकलेट सॉस ठंडी हो जाए तब आप केक पर कुछ इस तरह से स्पैचुला की सहायता से ही चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दीजिए। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से चारों साइड स्प्रेड किया है, ऊपर की साइड लगा दिया है, इसके चारों साइड्स में लगा दिया है ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। और जब ये चारों साइड से परफेक्टली कोट हो जाए इस चॉकलेट सॉस के साथ, तब आप इसको एक किसी भी क्लीन प्लेट में निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल बॉल्स के साथ।
अगर आपके पास कलरफुल बॉल्स नहीं हैं तो आप जेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और लीजिए आपका ये ब्यूटीफुल सा चॉकलेट केक बनकर है बिल्कुल तैयार, बिना किसी चॉकलेट के। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जितना ये बाहर से देखने में खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी भी बना है। तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ और बिल्कुल मिडिल का पीस मैं आपको इसका निकाल कर दिखाती हूँ, तब आपको विश्वास होगा कि ये अंदर तक बहुत ही परफेक्टली पका है। अक्सर होता क्या है ना कि जो दोनों साइड्स हैं वो पक जाती हैं लेकिन बीच में से कच्चा रह जाता है केक, तो ये गलती आपके साथ ना हो इसके लिए आप वीडियो में बताई गई सारी टिप्स को फॉलो कीजिए, तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं होगी और आप बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाकर तैयार कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस, वाओ, एक बार टेस्ट कीजिए, बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। Until then, tata, bye bye and love you all. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home and namaste India.